हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि उबड़ खुबड़ 4-5 किलोमीटर का रास्ता सफ़र करके मैं अभी वाटरफॉल की द्वारदेश में पहुंच चुका हूं। अभी यहां ऊपर की तरफ लगभग 500 मीटर चढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद वाटरफॉल देखेंगे। तो चलिए पहाड़ चढ़ते हैं। गाइज, अभी मैं पहाड़ की ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। लगभग 500 मीटर चढ़ाई करना पड़ेगा पहाड़। पीछे मेरा बाइक रख दिया हूँ। ये कुत्ता यहाँ का क्या कर रहे भाई? ये भी वाटरफॉल देखने के लिए आया है। ये पूरा पहाड़ है दोस्तों, चारों तरफ से। दोस्तों, आज संडे का दिन है और जैसे कि अगले दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज बारिश का मौसम है इसलिए कोई पर्यटक नहीं आए हैं। जो भी कुछ पर्यटक आए हुए थे वो घर चले गए हैं। और मेरे पीछे देखिए, 2-3 पर्यटक आए हुए हैं जो मेरे को रास्ते में मिले। दोस्तों, नौलीचुआ वाटरफॉल बरगढ़ जिला की भोटली ब्लॉक में नौलीचुआ गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर की पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद और उसके बाद 2 किलोमीटर की पहाड़ चढ़ने के बाद वाटरफॉल तक आप पहुंच सकते हैं। अभी मैं वाटरफॉल के ऊपर तक पहुंच गया हूं। ये वाटरफॉल के ऊपर की नज़ारा है। दोस्तों, ये है नौलीचुआ वाटरफॉल की ऊपरी हिस्सा। अभी मैं ऊपरी हिस्सा में पहुंच चुका हूं, लेकिन आप देख सकते हैं वाटरफॉल पूरा सूखा पड़ा है, क्योंकि इस साल ओडिशा में काफ़ी कम बारिश हुई है और लगभग ना के बराबर बारिश हुई है, इसलिए वाटरफॉल में अभी पानी नहीं है। दोस्तों, आप नीचे देखिए वाटरफॉल की दृश्य। बारिश का मौसम में यहाँ पानी भरा रहता है, लेकिन अभी एक बूंद भी पानी नहीं है। दोस्तों, वाटरफॉल की ठीक ऊपर एक मंदिर है। अभी मैं मंदिर को देखने के लिए जा रहा हूँ। Thank you.
दोस्तों, नॉलीचुआ वाटरफॉल को देखने के लिए सबसे आइडियल टाइम होता है जून जुलाई अगस्त, क्योंकि उसी दौरान मॉनसून का आगमन होता है और बारिश भी जोर से होता है। इसलिए वाटरफॉल में पानी भरा रहता है। जो भी पर्यटक उसी टाइम में आते हैं तो वाटरफॉल की नज़ारा कुछ अलग टाइप होता है। लेकिन अभी वाटरफॉल सूखा पड़ा है, तो मेरा मानना है कि अगर आप जब भी यहाँ आए तो जून जुलाई और अगस्त महीने में आए। आप साल भर यहाँ आ सकते हैं पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन वाटरफॉल की नज़ारा आपको देखने नहीं मिलेगा। वाटरफॉल की जो जलधारा है वो सूखा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप दोस्तों फैमिली के साथ यहाँ आकर पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि उसकी जो प्राकृतिक परिवेश है वो शानदार है। मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ है चारों तरफ से। तनाव भरा जिंदगी से कुछ टाइम अगर निकलना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, तो यहाँ आप आ सकते हैं। दोस्तों, ये था आज की नॉलीचुआ भ्रमण की पूरी हिसाब किताब। फिर मिलेंगे एक नए प्लेस और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।